पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर से भगवा रंग दिखाकर घाटी का माहौल अशांत करने का प्रयास किया है। महबूबा मुफ्ती ने फिर से धारा 370, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान और घाटी के लोगों के सामने फिर से धर्मनिरपेक्षता के राजनीतिक हथियार का प्रयोग किया है। अपने पिता और पीडीपी के प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद के पुण्यतिथि के मौके पर वो बोल रही थी, लेकिन उनके पिता की पुण्यतिथि पर भी वही उन्होंने राग आलापना शुरू कर दिया। महबूबा मुफ्ती घाटी के लोगों को भगवा का डर दिखा रही हैं, लेकिन महबूबा भूल गई कि भगवा रंग इस देश की संस्कृति और बलिदान का प्रतीक है। महबूबा मुफ्ती भूल गई कि जिस कश्मीर के निवासी को वो भगवा का डर दिखा रही हैं, उस कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा है। कश्मीर के पहले राजा भी कश्यप ही थे। भगवा ज्ञान और शांति का प्रतीक है। भगवा वसुदेव कुटुम्बकम का भी प्रतीक है। महबूबा मुफ्ती को ये समझने की जरूरत है कि भगवा ने सबको अपनाया है। भगवा के मूल में है समावेशी विकास और सबका कल्याण। आखिर क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने, आपको डिटेल में बताते हैं। महबूबा मुफ्ती अपने पिता की पुण्यतिथि पर बोल रही थी। पीडीपी प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति के लिए बातचीत को समाधान बताते हुए शनिवार को कहा कि कोई देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने लोगों के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता। महबूबा मुफ्ती पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर बिजबेहरा में थी। अपने पिता और पीडीपी संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की सातवीं पुण्यतिथि के समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करते हुए महबूबा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अपने संबोधन में पीडीपी प्रमुख ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर की पहचान को ध्वस्त कर दिया और आगे भी करेंगी अगर बीजेपी को नहीं रोका गया। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत और सुलह ही क्षेत्र में शांति स्थापित करने का एकमात्र तरीका है। अपने पिता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने जीवन भर इसे बनाए रखा, लेकिन सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। महबूबा मुफ्ती को समझने की जरूरत है कि भगवा का डर घाटी को ना दिखाएं, बल्कि घाटी के लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो उसका उपाय ढूंढें। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।